तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। Mic's connected. We are going to break the news first and then we will have Union Minister for our life. Is that okay? Okay, go guys. Bright karo. Sir, we are ready. Okay, guys, come on, ready. Countdown shuru kijiye. 6, 5, 4, 3. लास्ट वीक के टीआरपीस आए? हाँ, मेल कर दिया मैंने। Kindly have a check. सर आपके लिए। Thank you, Kainaat. Great job, हाँ। ये thank you जो है ना, सिर्फ दो words हैं, but कितना beautiful phrase है। Thank you. ये उसे कहते हैं जो तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम करे। I know. हाँ, तो उसे बोलना चाहिए thank you. Joy sir, पिछले 8 घंटे से thank you बोलने की कोशिश कर रही हूँ। पर ये मुझे अवॉइड कर रहा है। आप कोई फोन का कुत्ता तो नहीं हो ना जो पीछे पीछे घूमूंगी इसके। छोड़िए ना सर, पहाड़ी बकरा अपने तरीके से ही काम करेगा। As if he cares about people. तो मतलब अब तक सीज फायर नहीं हुआ? आई होप चाचू, मुझे लगा कल रात को जो तुमने किया उसके बाद मामला सुलझ गया होगा। एनीवे, जो सबक तुमने उन लड़कों को सिखाया ना, बात कायनात की नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हें ही करता। कायनात तुमने भी अब तक? नहीं सर, एक बड़ी स्टोरी पे काम कर रही हूँ। कल प्रेजेंटेशन है तो बस थोड़ी सी रिसर्च बाकी है। What about you? वही सिंगल होने के ये तो फायदे। हाँ? रिसर्च के टाइम में तुम सर्च भी कर लोगी। हमार ये देखो। होम मिनिस्टर? नहीं, वाइफ का फोन है। सर पैर पकड़ने पड़ेंगे अभी उसके। मेरा फोन और नोटबुक तो पीछे। तुम पीसीआर रूम में क्या कर रहे हो? सॉरी, दिस इज माय फकिंग ऑफिस। आई डोंट नीड टू आस्क एनीबडी। एंड कैन यू डू मी अ फेवर, जस्ट गो आउट, नाइस सम पीस प्लीज। लोगों का पीस ऑफ माइंड खराब करके अपना सुकून सुन रहा है। कहाँ मिलेगा यू रे पटिस? उसका तुमने या तुम कुछ कहना है? क्यों? फक यू, जस्ट कॉल मी फक यू। थैंक you. Now that sounds like more fuck you than thank you. पूरे दिन में मैं तुम्हें thank you बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कभी cabin room में, कभी meeting room में, कभी conference room में, कभी corridor में। बस एक gents washroom आना बाकी रह गया था। अब तुम यहाँ हो तो सुन लो। Thank you कल रात के लिए। और sorry अगर मैंने कुछ कहा हो। Listen, ये राशन में thank you sorry क्यों बोल रही हो? Because you don't sound either. Either thank you, no sorry. तुम होते कौन हो मेरे sorry और thank you को judge करने वाले? हाँ, खुद तो अपने ईगो और एटीट्यूड को AK-47 की तरह लेके घूमते रहते हो। Excuse me, can't talk to me like that. I'm your fucking boss, all right? You are not my boss. Imtiaz is my boss, Mr. AK-47. Guys, तुम दोनों की टॉम एंड जेरी वाली स्टोरी काफी एंटरटेनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे न्यूज़ रूम में ब्रॉडकास्ट हो रही है। सो इफ यू गाइस डोंट माइंड, कैन वी डू दिस लेटर? आई होप ऑल राइट। या चीयर्स। एक तरफ आपका बेस्ट फ्रेंड, दूसरी तरफ आपके असिस्टेंट। फुल मार्क्स फॉर पेशेंस बॉस। ओह, आई शुड बी गिवन 100% स्कॉलरशिप। मिस बिजी बी, तुमने खाना खाया? हाँ बस काम खत्म करके खा लूंगी। काम खत्म करके? कायनात अभी खाओ। चलो। नहीं, मुझे कुछ फाइल सेंड करनी है। चलो अभी खाओ। अरे मैं ऑर्डर कर लूंगी बाद में। तो अभी खाओ हमारे साथ। हमारे साथ मतलब? हमारे साथ। अरे पर मुझे फाइल। आओ कायनात, आओ लेट्स हैव डिनर। फाइल्स वाइज बाद में चेक करो, अभी डिनर खाओ। जो काम जिस काम मैं बाद में खाती हूं। ये रहा तुम्हारा खाना, ये रहा मेरा खाना,
और गौर से देखिए इस आदमी को जिसका नाम है सुफियान अब्दुल्ला, जो चाइनीज टेक आउट को एक फैंसी फाइव स्टार डिश की तरह खाएंगे. फैंसी प्लेट, चॉपस्टिक्स, सोया सॉस एंड अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर. और कभी कभी बच्चों की तरह अपने शर्ट को भी स्टेन कर देते हैं ये. और 19th स्टोरी, सुफियान कभी कमरे में अकेले नहीं सो सकता. डर के सोते थे क्योंकि मैंने इसके रूम के वॉल पे एक ड्राइंग की थी, वो भी भूत की. और उसी रात की मेरे पास एक फोटो है जहां मिस्टर सुफियान अब्दुल्ला बचपन में निकल्स में रो रहे हैं. And do you remember the last third? You used to suck your thumb. और फोर्थ तक मुझे लगता था सांता क्लॉज एग्जिस्ट्स, लेकिन एक्चुअली मेरे अब्बू को अगर टोपी दे दो और सांता क्लॉज का अवतार दे दो, ही लुक लाइक अ सांता क्लॉज. सो आई टेक दिस बैक. Oh, by the way, guys, ice cream? I get it. So, having fun? Yeah, of course. Especially tumhari school ki pitai wali story. That's amazing. That's epic. I mean, ek eraser ke liye kaun itna fight karta hai? Aur especially wo to... Lekar siya. तुम बच्चों जैसे खाती और तुम बच्चों की तरह बिहेव करते. गाइस आइसक्रीम. दोनों भाई ना बच्चों की तरह बिहेव करते. क्या इम्तियाज तुम भी ना. ओह बाय द वे बटरस्कॉच आइसक्रीम. ऑलराइट मुझे भूख लगी है, मैं नूडल्स खाता. सुफियान तुम खाओगे? नहीं मैं पेट भर गया. पा दी का मैसेज आया ग्रुप पे, आज लेट आएंगी. हाँ ठीक है, तुम दोनों अपने एग्जाम्स के लिए रेडी हो? हाँ पापा, मैंने अपना पूरा सिलेबस 4 बार रिवाइज कर दिया है. वेरी गुड. एक बार और बोले कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात के लिए हॉल्ट है. हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट. अरलीन तुम्हारी पढ़ाई का क्या? पापा वो मुझे है ना थोड़े से डाउट्स हैं. हालीन कम से कम बहाना तो नया बना लो. हर साल यही ट्रिक करती हो तुम पापा से क्वेश्चंस जानने के. और जैसे कि मैं ट्रिक हो जाता हूँ है ना. ओ मामा सब ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. डोंट वरी डोंट वरी. चलो आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर ले. मैं भी थक गया हूँ. आ जाओ आ जाओ. चलो कम. पता है मुझे हमेशा लगता था कि तू अडॉप्टेड है, बट मैं श्योर हो गई हूँ ना कि मैं ही अडॉप्टेड हूँ. सीधी सादी फैमिली, उन्नी टेढ़ी मैं. एग्जाम्पल में मिल गए. चल जल्दी चल, पकड़े के तो लग जाएगी. लगेगी उस प्रोफेसर सानी की. सानी का ईमेल आईडी लॉगिन कर. तो राहिल पागल है क्या? हमारे पास एग्जाम पेपर आ तो गए, और तुझे क्या चाहिए? उसको छोड़ना, तू क्यों फालतू का टेंशन ले रहा है? टेंशन मैं नहीं, टेंशन उसकी पूरी फैमिली लेगी, स्पेशली उसकी वो क्रांतिकारी बेटी. सानी की बैंक स्टेटमेंट निकाल जल्दी से. यार तू मुझे अपना ना प्लान बता कि क्या है. देख मैं कोई प्रोफेशनल हैकर हूं नहीं, ट्रेस होने के चांसेस पूरे पूरे हैं. चल ना टेंशन मत ले. यू आर प्योर इवन, दैट्स व्हाई यू लव मी बडी. मिल गया ना मेरी जान, एक और काम कर. Morning, sir. Morning, guys. Akash, तुम कौन सी स्टोरी में काम कर रहे हो? सर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की फेक डिग्री को लेकर के एक स्टोरी है, मैं उसे ही फॉलो अप कर रहा हूँ. ग्रेट. मेरे पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है अबाउट अ पॉलिटिशियन एंड हाउ ही इज ग्रैबिंग द फॉरेस्ट एंड द ट्राइबल लैंड. ग्रेट. रुई आप स्टोरी में काम करेंगे? यस सर. पर ये स्टोरी तो मेरी है, मैंने रात भर बैठ के इस पर रिसर्च किया है. ग्रेट मिस रानी, हम यहाँ इंडिविजुअली काम नहीं करते, वी वर्क एज अ कंपनी एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिपोर्ट्स की कमी है, तो शील हुआ है. बट डोंट यू वरी मिस रानी,
आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी मेरे पास. एमपी की वाइफ मिसेस सिंह एक सैलून खोल रही है. वो कवर इट. और ये स्टोरी. गाइस गेट बैक टू वर्क. वो मेरी स्टोरी थी. आई हैड वर्कड ऑन इट. कांग्रेचुलेशन मिस सानी. बट आई एम द बॉस. आई कैन डिसाइड. यू आर नॉट माय बॉस. आई एम योर बॉस. इम्तियाज आ जाए नहीं. सो आई डिसाइड व्हाट्स राइट व्हाट्स नॉट राइट. Unfortunately, you have to swipe right to this boss. Get it or hate it. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. That's good. Get back to work. सर वो स्टोरी की लीड मिल गई. अब प्लीज एक बार चेक कर लेना. अभिषेक गेट मी द फाइल्स. I need all the records. Sorry, मैं अपनी डायरी भूल गया था. यार सुफियान इफ यू डोंट माइंड पता है ये स्टोरी मुझे सीआईडी के एपिसोड से ज्यादा थ्रिलिंग लग रही है. उस दिन तूने उन चार लड़कों से इसे माफी मंगवाई और आज तूने इसकी कहानी ही छीन ली. ये कायनात तुझे इतना अफेक्ट क्यों करती है यार? मुझे कायनात सानी कुछ अफेक्ट नहीं करती. इससे बढ़ता है कि वो इम्मी की फेवरेट होने का फायदा ना उठाए. तो क्या मिस्टर सुफियान इसलिए परेशान है कि कायनात इम्तियाज की फेवरेट है या मिस्टर सुफियान इसलिए गुस्सा है कि कायनात इम्तियाज की फेवरेट है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इम्तियाज की फेवरेट है या तो जैसे गधे की. दी मैं आपके जॉब से ना बहुत खुश हूँ. इट्स अमेजिंग ना. एग्जैक्टली. इंस्टाग्राम कोड को इनको फ्री स्मार्ट ट्रीटमेंट्स जो मिलने वाले हैं. Gods of universe, law of attraction, सारे gods को ना thank you करना मत भूलना, okay? But Dee, I never knew कि आप ये hardcore journalism से अब ये soft events cover करने लगे. Exactly. एक hardcore journalist को एक stupid सा state of art salon cover करने को जबरदस्ती भेजा गया. Anyway, मैं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकने वाली, तो तुम दोनों जल्दी करना. Okay. Wow, Dee, long live the man जिसने हमें यहाँ भेजा. Exam के सच में I really needed this. मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो ना कि वो किसी खाई में गिर जाए, उसको दूर दूर तक कोई मदद ना मिले. उस सुफियान ने मेरी स्टोरी किसी और को दे दी और मुझे एंजेलस कंपटीशन में भेज दिया. I don't know what is wrong with you. Please calm down. Dee, take a deep breath. Are you okay? Yeah. You guys have fun, okay? Are you fine? Yeah. Huh? I'm gonna see you soon, okay? Yeah. Don't worry. Love you, Dee. Bye. Hi. I know. चलो कायनात, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करते हैं. Well, I've always wanted to create a change. ले ली आपकी किट. ओह, थैंक यू. वेलकम. Yeah, right. स्पा से सोसाइटी बदलेगी. मैम, स्पा खोलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा. अमेजिंग. स्पा एक ऐसी जगह है जहाँ जो भी आता है उसे सुकून मिलती है और आई विश दैट एवरी हार्ट फाइंड्स दैट पीस. I think everyone should experience this place. It's one of its kind. मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल रहा है? 50,000. Hello, HCFD Bank. Aye, ma'am. अच्छा ये face pack से मेरे dark circles और freckles मिट जाएंगे ना? Yes, ma'am. Also मेरी नाक sharp और small लगेगी ना face pack के बाद? No, baby, this won't. But plastic surgery can. You wanna go for that? चाचा पहली, आपने काम कीजिए, इसे भी face pack लगा लीजिए. No, babe, thank you. Sorry, I'm not interested. आपकी vouchers में सिर्फ इतना ही included था, और जो बचा है, उसमें आप सिर्फ nail paint लगवा सकती हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ में. तो आप एक काम कीजिए, आप ना nail art कर दीजिए, 3 fingers left hand की और 2 fingers right hand की. What, ma'am? Okay. Okay, ma'am. Bro, are you for real? Are you sure? Dee, पक्की खबर है. चलेंगे यहाँ पे तो ढंग का पेडीक्योर भी नहीं है. हाँ. शिमला में for the first time. Welcome to the art of spa. Okay. And this is just the beginning. Yeah. All right. ठीक है, फलक दे दिया. चलो ना. हली ने काम करना. तो कोई और ट्रीटमेंट करवा ले. और उसके बाद तू और फलक घर चले जाना. ठीक है? मुझे कोई और ट्रीटमेंट करना है. Okay. Bye.
Ma'am, one question. Yes. Ma'am, which is the best service according to you in your spa? I hope that answers your question. Ma'am. Yes, yes. Hi, ma'am. First of all, congratulations for your unique spa. Thank you so much. It's really grand. Kafi time aur resources lage honge is beautiful spa ko banne mein. Apne dil khol ke apne patrons ko shukriya ada kijiye. Oh God, I have so many people to thank. But sabse pehle, main apne husband ko thank you bolna chahungi. And then of course, my father-in-law and my mother-in-law, although she's no more with us, but I'm sure she's blessing this project. Aur main kya bataun? And the CM's wife has been of such support. I mean, she's been the backbone. So kya CM ji ki wife ka isme paisa laga hai? I mean, wo aapki khas dost hai. So is it a gift or a basic funding? Brilliant, Kainaat. Awesome. Thank you so much, sir. But ye story ko chalane ke liye ye statement kafi nahi hai. We need some more proof. I totally understand, sir. Is hard disk mein sare proofs hain. Kaise CM ne apni darling wife ko fund transfer kiye aur uski wife ne apni dost ko. For the salon launch. Not just that, we have a quote from opposition party. We have everything, sir. This story aaj 9 o'clock news mein top story hogi. Well done, Kainaat. This company needs people like you. All thanks to Sufiyaan, sir. Inhone mujhe itni badi responsibility di salon launch ko cover karne ki. Credit to inhi ko chahta hai. Thank you, sir. I have a bigger and a brighter story. Really? I don't think so. I'm sorry, mate, my story is stuck on anybody. My story is bigger and better, and you know that. You show yours, and I'll show mine. Excuse me? How dirty mind you have? I'm talking about story, darling. My story is bigger and better than yours. I'm not going to show you anything because you're gonna copy it. Ek reputed college ka loyal professor. Exam paper leak karte pakda. Students se hazaron rupaye liye and paper leak kar diya. Before I put this story on air, I'm sure you would like to see it. Should I? और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज शिमला के एक बड़े कॉलेज से पेपर लीक स्कैम की खबर आ रही है. कड़े आरोप लगे हैं प्रोफेसर सहनी पर जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर लीक किए हैं. आरोप यह है कि उन्होंने स्टूडेंट से रिश्वत ली है और एग्जाम पेपर लीक कर दिए हैं. कोई मुझे बहुत मुफ्त के ज्ञान दे रहा था कि बी राइट इज अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा वगैरह वगैरह. और वो क्या कहता है उसे जिनकी घर शीशे के होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Listen. क्या हो गया? What's wrong? क्या हो गया? Imtiaz, वो मेरी family. पापा ने कुछ नहीं किया. क्या हुआ पापा? कुछ just tell me. I am here with you. मुझे बताओ क्या हुआ? बोलो मुझे. Imtiaz, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया. Okay, I get it, but मुझे बताओ क्या हुआ कायनात? Just tell me. बोलो क्या हुआ? I'm here.